पोटली जैसे जैसे चढ़ाते जाओगे ये घुटना बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डुकरिया ऐसी चलेगी। चक्कर है कमरा भी है सादिया, एक में छे छे भरा, छे इसलिए भरा तुम रात भर सत्संग करो, भजन करो, स्मरण करो, और जितना सत्संग का आनंद होता है अपनों के बीच में तो हमेशा रहते हो, पर दूसरे को एग्जिस्ट करना तो सीखो। जरा विचार करो, तुम अपने कमरे में दूसरे को एग्जिस्ट नहीं कर रही तो ऊपर जाएगी तो भोलेनाथ कैसे एग्जिस्ट करेगा? सोचो तो सही है, विचार तो करो। भाई भगवान शिव की कथा है, 24,000 श्लोक शिव महापुराण में है, 12 संहिता, और एक एक संहिता भगवान शंकर को समर्पित है। भगवान 6 सूत्र शिव महापुराण के हैं कि शंकर को पाने के 6 सूत्र बताएं। पहला, मस्तक पर तिलक लगा दो, त्रिपुंड लगा दो, नहीं लगा सकते तो गले में रुद्राक्ष की माला पहन लो, इतना भी नहीं कर सकते। तीसरे नंबर का सूत्र है कि भगवान शंकर का मंत्र जाप कर लो, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये भी नहीं कर सकते तो मंदिर में शंकर जी को एक लोटा पानी चढ़ा दो, चौथा सूत्र। पांचवा सूत्र है, इतना भी नहीं कर सकते तो किसी शंकर के मंदिर के पास में से निकल कर चले जाओ तो शंकर के मंदिर का शिखर का दर्शन हो जाएगा, शिखर दर्शनम सर्व पाप नाशन, बस उतना भी बहुत है। ये पांच, और छठे नंबर का सूत्र है, अगर इतना भी नहीं कर सकते तो पूरी जिंदगी में अगर 112 ज्योतिर्लिंग पर पहुंचकर शंकर की कथा को सुन लोगे तो फिर दूसरा जन्म नहीं होता सा। ये 6 सूत्र शंकर को पाने के हैं, भगवत भक्ति को पाने के हैं, भगवत रस तत्व को पाने के हैं। 6 सूत्र है, शंकर का अनुमोदन करें। ऐसी कौन सी भूमि है, ऐसी कौन सी जगह है जहां शंकर नहीं है? हर जगह, हर रस तत्व में, कण कण में, हर जगह पर वही तो समाया है, बस हमारे नेत्र परखैया नहीं है इसलिए हम पहचान नहीं पाते। बहुत दुनिया के लोग बहुत कम पहचान कर पाते हैं, बस अंतर तब आता है एक घर के बुजुर्ग माता पिता को और एक परमात्मा को, लोग अंतिम तक नहीं पहचान पाते, अंतिम तक बहुत कठिन। माता पिता सब कुछ दे देते हैं बच्चों को, एक सास अपनी बहू को जब पसंद करके आती है, जो सास कभी अपनी देवरानी जेठानी की एक अंगूठी नहीं दे वो हाफ सेट दे किया जाती है। सोचो जरा, विचार करो, खुद कैसी भी साड़ी पहने पर बहू को एक से बढ़कर एक चढ़ावे में चढ़ा देती है, तैयार होने का डब्बा भी देती है, नंबर की चप्पल भी देती है, सब कुछ देती है। शादी नहीं होती उससे पहले ना जाने कितना सास बहू को दे आती है, कितना विश्वास सास का बहू पर होगा। और बहू जब पहली विदाई में घर से सास के यहाँ से जाती है तो अलमारी में ताला लगा के चाबी घर ले जाती है। सोचो सास ने कितना विश्वास करा, सब कुछ दे दिया, और बहू ने ऐसा विश्वास करा कि चाबी तक बटोर के पहली विदाई में ले गई, पहली विदाई। क्यों? क्योंकि नंदे आई है, डोकरी निकाल के ना दे दे, विश्वास कहां, भरोसा कहां, पूर्णता कहां है? भगवान शंकर की कथा कर रही है, 6 सूत्र में से अगर एक सूत्र भी भगवान शंकर का आपकी जिंदगी में आ गया तो जीवन का आनंद देने वाला हो गया। ध्यान देना, कन्या दान जो तुमने करा है उसका पुण्य तुम्हारे मरने से पहले हो सकता है कि समाप्त हो जाए, अन्न दान जो तुमने करा है उसका पुण्य हो सकता है तुम्हारे मरने से पहले समाप्त हो जाए। क्योंकि कई लोग कहते हैं हमने कन्या दान करा, हमने वस्त्र दान करा, हमने मुद्रा दान करी, हमने स्वर्ण दान करा, हमने अन्न दान करा, हमने भागवत कराई, हमने रामायण करवाई, हमने गीता करवाई, हमने तीर्थ करे, हमने व्रत करे, ये सारे पुण्य तुम्हारे खाते में है, एक पलड़े में तुम्हारे पुण्य रखे हैं, पर एक पलड़े में जो पुण्य इकट्ठे करके रखे हैं तो पाप भी तो देखो कितना करो, पाप
तब भी तो देखो, मालूम पड़े मुंह से किसी की निंदा कर दी उसी पुण्य में से कम हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। अरे बोलो तो सरी, अब 200 रुपए लेके आई थी, अब 200 रुपए में से खर्चा करते जा रहे हो तो होगा कि नहीं होगा खर्चा? थोड़ा गलत बोल दिया, पुण्य समाप्त तो हुआ। किसी को अपशब्द बोल दिए, पुण्य समाप्त तो हो गया। किसी के लिए गलत देख लिया, पुण्य समाप्त तो हो गया। किसी के लिए गलत सुन लिया, पुण्य समाप्त तो हो गया। हमने पुण्य तो बहुत कमाया, हमने ढेर पुण्य इकट्ठा करा, कन्यादान, वस्त्रदान, अन्नदान, मुद्रादान, स्वर्णदान, भागवत रामायण गीता यज्ञ अनुष्ठान, संत पूजा, गुरु पूजा, सब कुछ करी, पुण्य तो ढेर इकट्ठा करा। पर मरने से पहले ये सारा पुण्य तुम्हारा बोलने से, अपशब्द कहने से, ताना देने से, निंदा सुनने से, गलत देखने से समाप्त हो गया। पर शिव महापुराण की कथा कहती है सारे पुण्य तुम्हारे मरने से पहले भले समाप्त हो जाएंगे, पर शिव महापुराण की कथा यदि तुमने भूल से भी 5 मिनट की भी सुन ली तो वो जिंदगी भर अटल और अमर हो जाती है, वो कभी समाप्त नहीं होती। शिव महापुराण की पुण्य कभी समाप्त नहीं होता, शंकर का किया हुआ पुण्य कभी समाप्त नहीं होता। आज वो कोई कह रहा था गुरुजी वो हम पोटलियां बना के लाए हैं तो एक एक मंदिर में पोटली चढ़ाए और कई चढ़ाए। हमने कहा लो आए हो इतनी दूर तीर्थ करने के लिए, 5 रुपया 10 रुपया 2 रुपया करो जो तुम्हारी मर्जी, पड़े चढ़ाओ। 84 महादेव का क्या बार बार दर्शन करने जाओगे? ब्रज 84 कोस की परिक्रमा तो तुमने ना जाने कितनी बार लगा ली होगी ब्रजमंडल में पहुंचकर, पर 84 महादेव का दर्शन करने के लिए आए। और वो 84 महादेव जिसको स्वयं भगवान शंकर की बहन छिप्रिया ने प्रकट किया था, शंकर के ही रूप तत्व से 84 रूप में उनको प्रकट किया, पूरे विश्व में कहीं पर नहीं है, केवल उज्जैन में, केवल उज्जैन। तो भगवान शंकर की कथा कर रहे, भगवान भोलेनाथ का चरित्र वर्णन कर रहा है। 6 सूत्र में से 1 सूत्र भी अपनी जिंदगी में उतारा तो जीवन सार्थक हो गया। मात्र भगवान शंकर की पावन कथा का रसतत्व ग्रहण करें। एक देवराज नाम का ब्राह्मण, शरीर में ताप पड़ गया और शरीर में ताप पड़ने के कारण, बहुत ताप पड़ा तो शंकर के मंदिर में पहुंच गया, बैठा। अब वहां तो थोड़ी थोड़ी देर में शंकर के मंदिर में कथा हो रही थी, प्रवचन चल रहे थे, शिव महापुराण का चरित्र चल रहा था और ये थोड़ी थोड़ी देर में पंडित जी चिल्लाए हर हर महादेव। अब जैसे ही पंडित जी चिल्लाए तो इसके शरीर में ताप पड़े, इसको आ रहा बुखार। अब बुखार आए और कहीं का चिल्लाए, सिर दर्द हो और कहीं का चिल्लाए तो बड़ा बुरा लगे महाराज। अब इसको तो बड़ा अंदर से खटकाओ तो बताओ, मेरे तो शरीर में ताप पड़ रहा और महाराज हर हर महादेव चिल्ला रहा पर बोल सकता नहीं। ताप पड़ते 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 थोड़ी देर में ये यहाँ से चला चला शंकर के मंदिर से, कथा श्रवण कर कर थोड़ी देर भले ताप पड़ा, बुखार आया, सिर दर्द हुआ, सब कुछ हुआ, पर शंकर की कथा तो शरीर में पहुंच गई, इस आत्मा तक पहुंच गई। होता है जब घर से चले होगे तो सोचे पांव दुख रहा है, बुखार आ रहा है, सर दर्द हो रहा, ये हो रहा, वो हो रहा, पर शंकर के धाम में पहुंच गए तो अब ये सोच लो कि तुम शंकर के हो गए, तुम शिव